जांजगीर चांपा जिला के पिकनिक स्पॉट देवरी चिचोली के 20 दिसंबर की शाम पिकनिक मनाने गए। बलौदा के 8 युवक पिकनिक मनाने हसदेव नदी के किनारे गए थे। दोपहर 3 बजे दो युवक प्रांजल देवांगन और दिव्यांश कटकवार नदी में नहाने के लिए गए थे और नदी के बहाव में बहने लगे, जिसे देखकर दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी की गहराई में जाने के कारण काफी मशक्कत के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली और दोनों युवक डूब गए। युवकों ने अपने दोस्तों के नदी में डूबने की खबर परिजन और बलौदा पुलिस को दी और पुलिस ने नगर सेना के साथ बिलासपुर से SDRF टीम को बुलाया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर सेना के गोताखोर हसदेव नदी की गहराइयों में दोनों युवकों की तलाश कर रहे हैं। SP विजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात तक SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल में अंधेरे के कारण सुबह ही गोताखोर नदी में उतर गए। अपने तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश के बाद आज दूसरे दिन भी 21 घंटे के बाद सफलता नहीं मिल पाई है। देवरी चिचोली गाँव में हसदेव नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए युवक बलौदा के रहने वाले हैं और लापता प्रांजल देवांगन और दिव्यांश कटकवार 11वीं कक्षा के छात्र हैं। इस घटना की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और दोनों युवक की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रांजल आगे गया तो फिर वो दिव्यांश है ना, उसको बचाने के चक्कर में वो भी गया। उसके बाद हम लोग पीछे पीछे फिर वहाँ से यहाँ तक के वहाँ पर वो पत्थर के पास पत्थर में यहाँ पे टकराया ना, हम लोग खुद पड़ा हम लोग पत्थर में, हम लोग खुद रुके फिर वहाँ तक गए, हम लोग पूरा ढूंढते दोनों जने दिखे। हाँ दोनों यहीं तक के गए हैं। प्रांजल आगे कहाँ तक देखा हो? ये पत्थर तक गया। हाँ उसके बाद फिर चीर वीर को ढूंढे पूरा अंदर डूब पानी में डूबने की खबर आई सर, किस तरह का अपडेट है? थाना बलौदा अंतर्गत देवरी नाम की जगह पर जहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी है, कल कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए थे, उसमें से दो बच्चे नहाने के लिए चले गए थे और वो बच्चे गड्ढे में नहाते गड्ढे की ओर चले गए थे और वो डूब गए हैं और उनकी तलाश का कार्य जारी है। इसके लिए नगर सेना और NDRF की टीम लगी हुई है। थाना प्रभारी कल से कैंप किए हुए मौके के ऊपर और अतिरिक्त बल भी भेजा गया है, उनके परिजन भी मौके पर उपस्थित हैं और समस्त तैयारियां की गई हैं।